चैनल और गाइस आज मैं करने वाली हूँ डेयर फ्रॉम यूट्यूबर्स का पार्ट 3 और इस बार के डेयर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम आए हैं, तो चलो मैं आपको अपना पहला डेयर दिखाती हूँ। हेलो निशु, तो बहुत ज्यादा डेयर कर दिया ना तू, तो मैं भी तेरे को डेयर दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो तेरे को ना ओरियो के पकौड़े बनाने हैं, ओरियो के, और खुद तो खाने खाने हैं, साथ में किन्हीं दो लोगों को खिला के दिखा, फिर मानूंगा कि हाँ भाई तू डेयरी है। ये क्या बात करता है यार। निपारस ठकराल भाई, ये कैसा डेयर है, कैसे शौक है भाई इस आदमी के, कभी इसे कोक में मैगी खिलानी है, कभी इसे ओरियो के पकौड़े खिलाने हैं, पर डेयर है करना तो पड़ेगा ही। चलो ढूंढो ओरियो के पकौड़े। यार ये ओरियो के पकौड़े थे या नागमणी, जिसका मिलना बहुत ही मुश्किल था, बट काफी छानबीन करने के बाद हमको मिले ये भैया, जिन्होंने हमसे कहा बन जाएगा। ये हमारी डिमांड पे ओरियो के पकौड़े बना रहे हैं, बनते नहीं है, ये गंदी हरकत कोई शहर में नहीं करता। आपको लगता है टेस्टी बनेंगे? टेस्टी पूरा होगा। अब भैया ये हो दूसरे बंदे, टेस्टी पूरा होगा, इन्होंने बोला अब यही चखेंगे, चखोगे ना भैया? मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं मैं। फाइनली हमें ये पकौड़े बना के ओरियो के दे दिए हैं, अब टाइम है इन्हें खाने का और अपना डेयर कंप्लीट करने का। 1 2 3 गाइस, जितना मुझे इसके बारे में लग रहा था और जितना मैं बोल रही थी, इतने बुरे नहीं है यार, टेस्टी है। ठीक कहा है। तो मैंने तो खा लिया, मेरा आधा डेयर तो कंप्लीट हो गया, बट अभी मुझे दो बंदों को और खिलाना है ताकि से मेरा पूरा डेयर कंप्लीट हो जाए। बुलाती हूँ। आप कांप रहे हैं, आप घबरा रहे हो। टेस्ट तो बढ़िया है। टेस्ट बढ़िया है, अच्छा लगा आपको? आप खा के देखो, अच्छा टेस्ट है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। दे भाई आजा, भाई तू ही हमारा दूसरा बंदा, खाओ। ये तो टट्टी है। अपना डेयर जो है पारस ठकराल, ये हो गया कंप्लीट, पर हरकत ये बहुत गंदी थी। तो गाइस अगला डेयर हमें मिला है फुकरा इंसान से, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या डेयर दिया है। ओके, तो तुम्हारा डेयर ये है कि तुम्हारे को जाना है मार्केट के बीच में और वहाँ पर पूल लगाना है और पूल में डांस करना है और मस्त पानी वाला डांस करना है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस फुकुरा इंसान ने मुझे बहुत ही क्रेजी डेयर दिया है, आई डोंट नो ये मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेट्स सी, कोशिश करते हैं करने की। फुकुरा इंसान के इस डेयर के लिए मैं इतनी महंगी मार्केट में आई हूँ कि अगल बगल सिर्फ और सिर्फ महंगे महंगे अमीर लोग हैं और यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को भगा ना दे। अगर फुकुरा इंसान इस डेयर के बाद मुझे जेल हुई तो मेरी बेल कराने के खुद आएगा, मेरे ऐसा धक धक हो रहा है मैं बता नहीं सकती भाई, बहुत फेमस मार्केट है ये गुड़गांव का। तो गाइस फुकरा इंसान ने हमको बोला था कि मार्केट में अपना पूल लेके जाओ और वहाँ पे जाके पानी वाला डांस करो, तो यहाँ मैं मार्केट में आई हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूल लगा ही हुआ है, तो अपना पूल लाकर मैं क्या ही कर लेती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और दोस्तों किसी तरह बचते बचाते हम जा रहे थे अपना डेयर कंप्लीट करने, पर तभी हमें पकड़ लिया सिक्योरिटी गार्ड ने, और देखो उसने तो हमसे साफ कह दिया कैमरा तो बेटा यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो यहाँ से चुपचाप निकल लो। पर हम भी कहाँ मानने वाले थे, हमने भी जुगाड़ लगाया और चल पड़े अपना डेयर कंप्लीट करने। आपको हाई हील्स पहननी है और उसे पहन के 1 किलोमीटर तक दौड़ना है, गुड लक। तो गाइस राम्या के डेयर के लिए हम आ चुके हैं फील्ड में और हील्स अपनी रेडी है और मैंने यहाँ पे 1 किलोमीटर का मैप लगा लिया है, अब देखना ये है कि मैं 1 किलोमीटर तक दौड़ पाऊंगी या पहले ही डेयर हो जाऊंगी। 1 2 3 लेट्स गो। बहुत मुश्किल हो रही है भागने में।
भागी हूँ, तो इससे ज्यादा मैं नहीं भाग सकती क्योंकि मेरे पैरों के बैंड बच गई है और सांस भी भूल रही है। तो कमेंट करके बता रहे डेयर कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं भागी तो हूँ, देखो भागी तो मैं हूँ। गाइज अगला जो हमें डेयर दिया है वो दिया है UK07 राइडर ने और उन्होंने मुझसे कहा है कि व्हाट्सअप निशु, डेयर ये आपके लिए कि आपको अपनी मम्मी के पास जाना है और बोलना है कि मम्मी मुझे ना एक लड़की से प्यार हो चुका है और अब मुझे लड़कों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बस मेरी उस लड़की से शादी करा दो, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाले। भाई साहब ये मैं अपनी मम्मी को बोलूंगी, मेरी मम्मी के होश उड़ जाएंगे। कोशिश करते हैं, पहले मम्मी को बुलाते हैं अपनी। गाइज मम्मी जो है वो मेरी आ चुकी है और मम्मी को भी मैंने होल में बिठाया है, पानी वानी पिला रही हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा मम्मी का मूड लाइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये प्रैंक मैं मम्मी पे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, पहले ये बताओ मेरी शादी कब होगी? तेरा शादी 3 साल के बाद। अच्छा तो मेरी शादी 3 साल बाद होगी? हाँ 3 साल के बाद। मम्मी को एक बात बतानी, तेरे को पता ही नहीं है। पता तेरे होश उड़ जाएंगे मम्मी। अरे हो और नहीं उड़ेगा है वो मेरे को नहीं। यार मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को लड़के अच्छे नहीं लगते। लड़के अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो लड़की से शादी करेंगे? मतलब एक लड़की है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उससे प्यार भी करती हूँ, मतलब पसंद है। वो तो बहन समझ के प्यार करती है। अरे यार बहन वाला प्यार नहीं, बहन वाला प्यार नहीं मम्मी, वो मुझे अच्छी लगती है, मतलब मेरे को पसंद है, मैं उसी से वो पसंद करती हूँ लड़की को। तो लड़कियाँ क्या प्यार नहीं कर सकती आपस में? अरे बात क्या। अच्छा चलो जेन्युइनली बता, तू कसम से मजाक से हटते देखो, मेरे को एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, मुझे उससे प्यार भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे शादी करूँ, मैं उससे शादी करूँ। ये कैसे हो सकता है? प्यार पिक्चर ठीक है, लड़की है प्यार कर सकती है, लड़कियाँ पर दोस्ती होता है, शादी कैसे होगी? अरे एक लड़की आप अब तो सरकार भी मानती है चीज को, लड़कियाँ लड़के शादी कर सकती है, लड़के लड़के भी कैसे शादी कर सकते हैं? आयुष इसका क्या जवाब है बताना जरा। तो आपको मम्मी यार ठीक है ओके यार, मजाक कर दिया, प्रैंक कर दी थी छोटा सा। इधर ले आओ एक छुपा हिडन कैमरा, इधर ले आओ। गाइस मेरी मम्मी बहुत ही ज्यादा पुरानी सोची है, तो मम्मी को थोड़ा थोड़ा लग रहा था पर थोड़ा थोड़ा सा डाउट था। तो हमारा डेयर यहीं पे यूके राइटर कंप्लीट होता है। लाइक मांगो, लाइक करो, लाइव करो यार, लाइव करो। तो गाइस अगला डेयर हमें दिया है क्रेजी दीप ने। ओके तो निशु आपका डेयर ये है कि आपको मॉल में झाड़ू लगाना है। भाई साहब ये बंदा मुझे आज झाड़ू पड़वा के ही मानेगा, बट ठीक है इसने डेयर दे दिया है, चलते हैं भाई भाई। तो गाइस इस डेयर के लिए बाहर से अंदर झाड़ू ले जाना तो अलाउड नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना मॉल के अंदर से ही झाड़ू खरीदा जाए। तो सबसे पहले हमने खरीदा अपना झाड़ू और फिर हम पहुंचे अपना डेयर करने। विदेशी मैम साइड हो जाओ यार। अरे कूदना कूदा। अरे यार देखो सामने से ही जा रहे हो सबके साथ, मतलब कर दिया ना पूरा गंदा, अभी झाड़ू मारा था मैंने। यूट्यूबर ने आप खुद देख लो। तो निशु ने मांगा है मुझसे डेयर, इतनी भारी गलती। तो निशु तेरा डेयर ये है कि तुझे याद होगा एक बार तूने मेरे ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चलाया था, तू बहुत खुश हुई।
अब मेरा डेयर ये है कि वही फायर एक्सटिंग्विशर तुझे अपने मुंह पे चलवाना है और मैं खुश होऊंगा वो देख के। देख रहे हो दोस्तों इसकी कमीन बनती, देख रहे हो। बट अगर ये डेयर इसने मुझे ऐसे दिया होता तो मैं कभी भी नहीं करती, बट अब जब ये यूट्यूबर बन गया है तो कैसे टाला जा सकता है। चलो यार टिंग टिंग टिंग, और थोड़ी देर में ये मेरे मुंह पे मारेगा और उसके बाद मैं बोलने की हालत में रहूं या ना रहूं, तो इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो। और यार मैं एक ब्लंड के बहुत कर रही हूं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मैं कौशिक तुझे तो मैं बताऊंगी, आराम से मारी हो। 3 2 1 मेकअप हो गया। ओ शिट शिट शिट, इतने तेज कैसे लगा किसी ने चाटे, चेक कर दो मुंह पे इसकी धार कितनी तेज लगी है मुंह पे। ओ शिट, कोई बात नहीं, मैं कौशिक बेटा, मेरा भी टाइम आएगा एक दिन, तू भी ये वीडियो बनाएगा और उस दिन देखियो मैं अपना बदला लूंगी। पर अब यार कोई बहुत दर्द हो रहा है, तो गाइस घर पे ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना। और इस वीडियो को आप यहीं पे एंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा डेयर किस यूट्यूबर का लगा। और यार मैं 1 मिलियन के सच में बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो कोई सी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना यार।